झारखंड की बेटी खेलेगी टोक्यो ओलंपिक। निकी प्रधान डिफेंडर तो शालिमा टेंडे मिली फील्डर के रूप में ग्राउंड पर दिखाएगी अपनी प्रतिभा। दोनों इंडियन ओलंपिक महिला टीम में शामिल। टोक्यो ओलंपिक के लिए हॉकी इंडिया की तरफ से गुरुवार को 16 सदस्यीय महिला हॉकी इंडियन टीम की घोषणा कर दी गई है। इसमें झारखंड की दो बेटियां शामिल है। खुट्टी के रहने वाले निक्की प्रधान और सिमडेगा की शालिमा टेंडे को इसमें शामिल किया गया। ये पहला मौका है जब झारखंड की दो हॉकी खिलाड़ी एक ही ओलंपिक में भाग लेगी। हॉकी इंडिया की तरफ से गुरुवार को 16 सदस्यीय महिला हॉकी टीम की घोषणा की गई। इसमें झारखंड की निक्की प्रधान को डिफेंडर जबकि शालिमा का चयन मिडफील्ड के तौर पर किया गया। इससे पहले पुरुष या महिला हॉकी टीम में कभी भी झारखंड के दो खिलाड़ी इंडियन हॉकी टीम का हिस्सा नहीं बन पाई है। शालिमा सिमडेगा आवासीय सेंटर से प्रशिक्षु रही हैं। झारखंड में बच्चों के लिए विशेष टीकाकरण अभियान। राज्य में हर साल 15% नवजात की निमोनिया से होने वाली मौत को कम करेगा ये टीका। हेल्थ मिनिस्टर ने कहा, हमारे यहाँ शिशु मृत्यु दर अभी भी राष्ट्रीय औसत से कम है। झारखंड में पहली बार निमोनिया से बचाव के लिए बच्चों के लिए पीसीवी टीकाकरण अभियान की शुरुआत गुरुवार से हुई। पहला टीका हेल्थ मिनिस्टर बन्ना गुप्ता की निगरानी में लगा। उन्होंने कहा कि राज्य को स्वास्थ्य नीति के आलोक में कुछ कार्यक्रमों का स्वास्थ्य सूचकांक राष्ट्रीय औसत से आगे है। राज्य में शिशु मृत्यु दर प्रति हजार 34 से घटकर 29 हो गई है जबकि राष्ट्रीय औसत 33 है। मृत्यु दर की बात करें तो राज्य में प्रति लाख 165 से घटकर 76 हो गई है जबकि राष्ट्रीय औसत 122 है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी सिद्धार्थ त्रिपाठी ने बताया कि राज्य में हर वर्ष 15% बच्चों की मौत निमोनिया से होती है। 5 साल से कम आयु वर्ग के बच्चों की मौत का निमोनिया एक बड़ा कारण है। इस टीकाकरण के माध्यम से उस मौत में कमी लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि पहली बार इस टीके की शुरुआत की जा रही है। झारखंड में दम तोड़ते कोरोना को ट्रस्ट करने के लिए सीमावर्ती 13 जिलों में विशेष जांच अभियान चलेगा। 24 घंटे में 1.20 लाख लोगों की होगी जांच। झारखंड में दूसरी लहर में कोरोना दम तोड़ता दिख रहा है। राज्य में बुधवार तक 2,246 एक्टिव मरीज बच गए हैं। ये फिर से राज्य में खतरनाक रोग अख्तियार न कर इसके लिए राज्य सरकार 15 सूत्री अभियान टेस्टिंग ट्रैकिंग आइसोलेशन ट्रीटमेंट वैक्सीनेशन के तहत काम कर रही है। राज्य में इसकी स्थिति को समझाने के लिए 22 जून को एक दिवसीय विशेष जांच अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान राज्य के ऐसे 13 जिलों में चलेगा जो या तो सीमावर्ती हो या जहां ज़्यादा संक्रमण रहा हो। इस श्रेणी में बोकारो, देवघर, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, गुमला, हजारीबाग, जामताड़ा, कोडरमा, रामगढ़, रांची, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम और लोहरदगा को चिन्हित किया गया है। यहाँ के एक दिन में 1.20 लाख लोगों को रैपिड एंटीजन टेस्ट जांच का लक्ष्य रखा गया है। इनमें सबसे ज़्यादा रांची में 18,000 और लोहरदगा में 4,000 जांच के लिए लक्ष्य रखे गए हैं। सीएम के दिल्ली दौरे से सियासत गर्म। ग्राम्य मंत्री पद पर जारी खिस्तान के बीच बीजेपी के निशिकांत ने कहा, हेमंत सोरेन जी अब कांग्रेस से परेशान। रामेश्वर उरांव भी दिल्ली में जमे हुए हैं। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के अचानक दिल्ली दौरे से झारखंड में सियासी उबाल आ गया। इस बात की तर्ज तेज है कि दिल्ली में राज्य के ग्राम्य मंत्री पद और निगम बोर्ड के गठन पर खिचड़ी पका रही है। ग्राम्य मंत्री पद पर एक तरफ जहां कांग्रेस अपना दावा ठोक रही है तो जेएमएम का भी दो टूक जवाब है कि ग्राम मंत्री तो उन्हीं का होगा। इस बीच सत्ताधारी पार्टियों के संघर्ष के बीच बीजेपी से गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे के बयान ने एक नया कोण दिया। निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि सीएम हेमंत सोरेन जी कांग्रेस से परेशान। दिल्ली दरअसल उनका नए पार्टनर के साथ सरकार बनाने का जुगाड़ तो नहीं। झारखंड हाईकोर्ट ने रूपा तिर्की के परिजनों को सुरक्षा प्रदान करने का दिया आदेश। सरकार को 4 हफ्ता जमा करना होगा जवाब। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य एसएसपी को दिव्यगत रूपा तिर्की के परिजनों को सुरक्षा मुहैया कराने का दिया निर्देश।
रूपा तिर्की के पिता की ओर से दायर क्रिमिनल रिट पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह आदेश दिया है। सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार को 4 हफ्ता में काउंटर एफिडेविट दायर करने का निर्देश देते हुए इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 29 जुलाई की तिथि निर्धारित की है। न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुए सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से अदालत को बताया गया कि रूपा तिर्की प्रकरण की जांच के लिए पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया। इस पर अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि CRPC में इस तरह का कोई प्रोविजन नहीं है। झारखंड में जारी है मानसून की बारिश। रांची में सुबह से हो रही बारिश कोडरमा चतरा धनबाद में आज भारी बारिश के आसार। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी हवा। राजधानी रांची में गुरुवार सुबह से घने बादल छाए हुए हैं, साथ ही रह रह कर हल्की बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार आज दिन में 1 से 2 बार हल्के से मध्य दर्ज की बारिश हो सकती है, वज्रपात की भी संभावना है। वहीं मौसम विभाग के पूर्वानुमान में बताया है कि आज राज्य में कोडरमा चतरा गढ़वा धनबाद सरायकेला खरसावां पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा में भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि वर्तमान में पूरे राज्य में समान रूप से मानसून सक्रिय है, इसके कारण लगभग हर जिले में बारिश देखने को मिल रही है। साथ ही गंगा के मैदानी भाग और पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की सीमा पर एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, इसका असर भी राज्य में दिखने को मिल रहा है। परिवहन सेवा पर सख्ती। बिना मास्क कार्ड ऑटो और ई रिक्शा पर सफर करने वालों पर कार्रवाई। परिवहन आयुक्त राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि 24 जून की सुबह तक बढ़ा दिया। इस दौरान मार्ट डिपार्टमेंटल स्टोर खोलने की छूट तो दी गई है, लेकिन परिवहन सेवा पर सख्ती जारी रहेगी। राज्य के अंदर और बाहरी बसों के परिचालन पर पिछले 16 मई से रोक है। 1 माह से बस के पहिए थमे हुए, अब इस पर और 1 सप्ताह के लिए ब्रेक लगा दिया गया है। 24 जून सुबह तक बसों का परिचालन पूरी तरह बंद रहेगा। परिवहन आयुक्त किरण कुमारी पासी ने बुधवार को यह आदेश जारी करते हुए सभी बस संचालकों को इस आदेश का पालन करने का निर्देश दिया है। झारखंड में वैक्सीनेशन की कछुआ चाल। 2% लोगों को ही दोनों डोज है, इम्यूनिटी के लिए अभी भी 68% टीके बाकी। झारखंड में वैक्सीनेशन की रफ्तार कछुआ चाल जैसी। हालांकि पिछले कुछ दिनों में स्वास्थ्य विभाग इसकी रफ्तार बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। अभी तक झारखंड की मात्र 11.69% आबादी को ही वैक्सीन की पहली डोज लग पाई है, जबकि 2.16% को दोनों डोज लगी है। जिन्हें दोनों डोज लगती है उनका ही वैक्सीनकरण पूरा माना जाता है। झारखंड की वर्तमान अनुमानित आबादी 3.77 करोड़ है। इसमें अभी तक 44,07,139 लोगों को ही पहली डोज लगी है, जबकि 8,15,958 लोगों को दोनों डोज। 18 से 44 की उम्र वाले 7% लोगों को ही पहली और 0.99% को दोनों डोज लगी है। वहीं 45 से ज़्यादा उम्र वालों में 32.50% को पहली और 5.32% को दोनों डोज लग चुकी है। राज्य के 24 जिलों में सिर्फ 3 जिले को छोड़कर 21 जिले में 18 प्लस कैटेगरी में 10% से भी कम लोगों को पहली डोज लगी। आने अभी भी इस वर्ग में 90% लोगों को पहली डोज नहीं लग पाई है।